आप लोगों को लेके चलता हूँ गूगल मैप में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा है, सबसे पहले आपको गूगल मैप का एप्लीकेशन खोल लेना है। अगर आपके पास यह एप्लीकेशन नहीं है, वैसे तो सारे फ़ोन में ये एप्लीकेशन होगा, अगर आपके पास नहीं होगा या अपडेट मांग रहा होगा तो सिंपल सा आपको अपडेट कर देना है। दोस्तों ये चालू करने के बाद आपको आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा जिसका लोकेशन पहले ही मांगेगा। अगर ऑन नहीं होगा तो लोकेशन ऑन कर देना है। लोकेशन ऑन करने के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जाना है, ये जो लोकेशन लिखा है इसको हम क्लिक कर देंगे और ये ऑन हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा आगे तक ना बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गेट डायरेक्शन का ऑप्शन है, ड्राइव टू व्हीलर, ट्रेन, बस या कैब, इन सारा को छोड़ के जल्दी से हम चलते हैं। आपको बता देता हूँ, जैसे हमें कहीं मान लो लुधियाना से लुधियाना टू चंडीगढ़ हमें मान लो जाना है, तो इसको हम सर्च कर देंगे। यहाँ से सर्च करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा गूगल मैप का। तो दोस्तों हम इसको बढ़ा लेते हैं, हमारे पास ऊपर जो आ गया है हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चंडीगढ़ टू लुधियाना, लुधियाना टू चंडीगढ़। देखिए दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये अगर हम कार से जाएंगे तो 1 घंटा 55 मिनट्स लगेगा, अगर हम बाइक से जाएंगे तो 1 घंटे 46 मिनट्स दिखा रहा है। यह गूगल अपनी सर्विस के द्वारा एज्यूम कर लेता है, अपने ढंग से इसको बताता है कि हमें कितने घंटे या कितने मिनट्स लगेंगे। अगर हम इसको ट्रेन से जाएंगे तो यहाँ ट्रेन वाले पे क्लिक करेंगे, आइए देखते हैं ट्रेन पे, ये ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। और अगर हमें पैदल जाना है तो कितने घंटे लगेंगे, अगर हम पैदल जाएंगे तो 19 घंटे 30 मिनट लगेंगे, टोटल 95 किलोमीटर है। यहाँ पे जो स्टेप्स एंड मोर दिया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पे स्टेप एंड मोर दिया है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं ये ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये बताएगा कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे कैसे जाएंगे। अगर हम राइट क्लिक करते जाएंगे इसको तो कहाँ से हमें मोड़ना है, कहाँ टर्न होना है, ये हमें बताता जाएगा। और देखिए यहाँ ऊपर में आपको दे रहा है 290 मीटर की दूरी पर टर्न होना है दोस्तों। तो हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। यहाँ पे रूट प्रीव्यू दिया है, यहाँ पे आप चाहें तो ऑल ट्रैफिक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टेरेंस भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर आपको रहेगा सैटेलाइट में। सैटेलाइट में आइए हम आपको बताते हैं कि सैटेलाइट्स क्या होती है। सैटेलाइट में हमारे जो गली मोहल्ला घर है वो सारा सारा आपको साफ साफ दिखेगा। अगर हम इसको जूम करें, देखो हम जूम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन आपको पूरा पूरा दिखाएगा। दोस्तों कहीं मत जाना, पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ये है इसका प्रीव्यू, दोस्तों ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको हम सैटेलाइट्स के द्वारा देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम ये अबाउट हाईवे जो दिया है इसका ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। अबॉर्ड हाईवे मतलब हाईवे को आप छोड़ सकते हैं यहाँ से, या अबॉर्ड टूल मतलब जो आपको ऑप्शन चाहिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हाईवे से ही चलते हैं क्योंकि हाईवे सही होता है, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, यहाँ के ऑप्शन वगैरह बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रैफिक दिया है, अगर हम ट्रैफिक पे जाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल मैप की तरह दिखाएगा दोस्तों, ऐसे मैप नहीं होता है वैसा दिखाएगा। और अगर हम
टेरेंस पे जाएंगे तो ये देखो इसका इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल इंटरफेस चेंज हो गया। अगर आपके मैप में अगर ऐसा दे रहा है इंटरफेस, तो यहाँ से जा कर के आपने सैटेलाइट्स में चले जाना है। सैटेलाइट्स में जब जाओगे आप तो आपको पूरा पूरा साफ साफ दिखाएगा, जैसे कि हमारा लोकेशंस होता है वैसा दिखाएगा। तो दोस्तों आई होप करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।